लोग निकलते भी नहीं होंगे यहाँ से। अभी तुम्हें बदबू नहीं आती आप लोगों को? तो ऐसा नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। आप ये बंद करो और लेके जाओ। ये सब इलीगल काम, एक भी दुकान मुर्गे की नतीजे कल से नॉन इनो मुर्गा नहीं बिकेगा दिल्ली में। जो वीडियो अभी आपने अपनी स्क्रीन्स पर देखा वो दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित लोनी इलाके से है। ये इलाका ऐसा इलाका है जहाँ पर दिल्ली का मेहनतकश वर्ग रहता है, यहाँ पे लेबरर्स रहते हैं, यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो हमारे शहरों को शहर बनाते हैं। आज वहाँ पर एक जो वीडियो हमें दिखाई दे रहा है उसमें नज़र आता है कि किस तरह से मुस्लिम जो दुकानदार हैं, जो मीट बेच रहे थे, जो बिरयानी बेच रहे थे, उनकी दुकानें वहाँ पर जबरन बंद करवा दी गई, उन्हें बकायदा धमकाया गया। ये धमकियाँ उन्हें दी थी बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने। ये पहली बार नहीं है कि गुर्जर ने इस तरह की धमकियाँ दी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मीट यहाँ पर मत बेचो, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि इसमें बदबू आ रही है, आप कहीं और जाइए और इसे कि कहीं और जगह पर जाकर आप ये मीट बेचो। और वो धमकाते हुए लोगों को ये भी कह रहे हैं कि अगर वो वहां से नहीं हटे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा और तुम्हारी जमानत नहीं होगी। तो सरेआम इस तरह की वीडियो पोस्ट की गई जो सोशल मीडिया पर काफी चल रही है। पर इस वीडियो के अलावा एक लार्जर नैरेटिव है, ये लार्जर नैरेटिव है फूड पॉलिटिक्स का, जो लगातार बीजेपी इस क्षेत्र में कर रही है और हिंदुत्ववादी फोर्सेस यहां पर कर रही हैं, जिसमें फ्रंट लाइन पर हैं नंद किशोर गुर्जर। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह की धमकियां दी हो। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी तो उसमें एक अहम चेहरा था नंद किशोर गुर्जर का। उन्होंने लगातार बीजेपी के सामने और लोनी क्षेत्र में अपना एक चेहरा उन्होंने बना लिया है, एक फोर्स की तरह वो इमर्ज कर आए हैं और उन्होंने मुहिम चला रखी है मुसलमानों के खिलाफ और उनके खिलाफ जो लोग मीट बेच रहे हैं। इन्होंने ऐसा ही एक कैंपेन जिसमें दुकानें बंद करवा दी गई थी, लोगों को धमकाया गया था, ये पिछले साल नवरात्रि के त्यौहार के दौरान भी उन्होंने चलाया। उसके साथ साथ 2019 में उन्होंने एक और मुहिम शुरू की थी जब उन्होंने कहा था कि मंदिरों के आसपास कोई भी नॉन वेज यानी कि मीट और अंडा इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नहीं बिकनी चाहिए। उन्होंने ये तक कह दिया था कि मीट बेचना दरअसल राष्ट्रद्रोह है। तो इसी के संदर्भ में हमने बात की उन लोगों से जो जूझ रहे हैं इस मीट बैन और इस विजिलेंटिज्म से, और जो विक्टिम्स हैं इसके, जो आम दुकानदार हैं उन्हें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं, उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। हम तो शुरू से ही जो है चार साल से, साढ़े चार साल से लड़ी लाए हैं मतलब सरकार से लोगों के भले के लिए। अब जो है लोग बाग इतने थोड़े डरे हुए हैं मैम, के बस कुछ कह नहीं सकते, तो लोग इतना कोऑपरेट करने के बावजूद भी लोग बाग बच रहे हैं। असल में क्या हुआ था आपसे बताएं हम जी। तो ये शुरू में जब उन्होंने रोक लगाई कि कोई भी काम नहीं चलेगा मीट का उसका इस तरह का इनलीगल, अब उसमें इनलीगल क्या है, इनलीगल ये है कि जो पहले जो लाइसेंस बनते थे कच्चे मीट शॉपों के जी, वो 1996 तक जो है नगर पालिका देती थी बना के जी। फिर उसके बाद उन्होंने जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऊपर पहुंचा दिया, ये मतलब क्या फूड सेफ्टी देगा, फूड सेफ्टी वालों को पुलिस की अनुमति चाहिए होती है और एक नगर पालिका जो अनुमति, तो नगर पालिका जो है वो विधायक के हाथ में खेलती है। नगर पालिका जो यू है उसने जो है कोई भी एनओसी जारी नहीं करनी थी कोई भी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जो भी लाइसेंस वगैरह जो भी इशू हुए हैं वो लोगों के वैसे ही हुए हैं मतलब ऑनलाइन उन्होंने इशू करा लिए हैं और वो उसके अनदर एनओसी जो है नगर पालिका की अनिवार्य है। अब वो इस बेस पे जो है यहाँ के जो नगर पालिका जो है लोगों को देने नहीं दी, हमने चक्कर भी काटे, फिर उसके बाद हाईकोर्ट तक गए, हाईकोर्ट ने आदेश भी करे, वहां से कुछ आदेश भी आए थे, फिर उन्होंने पेंडिंग में डाल दिया कि उसमें कुछ शर्तें थी जैसे मतलब सिविल लाइन होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो सिविल लाइन लेनी में है नहीं बिल्कुल भी। अब सिविल लाइन ना होने की वजह से फूड सेफ्टी वालों के पास क्या, वो कहने लगे सोख्ता होना चाहिए, सोख्ता बना लो,
और चौकसा बनाया तो उन्होंने मतलब वो उधर चक्कर कटाए, उधर चक्कर कटा के मतलब कोई भी बन नहीं पाई। और सीएम डीएम तक ने आदेश करे थे नगर पालिका को, उसने एनओसी दी जा रहे, मगर ये लोग हमारे पास सब चीज लिखत में है, लिखत में यानी थी वो सब सब है हमारे पास फाइल है पूरी। हाँ। मगर वही वाली बात है कि बच्चे की सरकार उसका डंडा वो काम हो रहा है, बहुत दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा। जो जो छोटे छोटे जो है ना बेचारे जो दो दो चार चार किलो चावल बेचते हैं, बिरयानी बेचते हैं, उन तक के डीए बंद करा दिए। हाल ही में इन्हीं की दुकान जो है वो बंद करवाई, कितनी दुकानें बंद करवाई हैं कि पहले भी ये चलता आ रहा है, और थोड़ा आप मुझे बता ये जो जैसे भी कोई त्योहार आता, जैसे कोई मामला आता, कोई आता तो यानी हमेशा पुलिस यानी वो दंगाई वाला रूप इख्तियार कर लेती है, लाठी लेके पहुंच जाती है। ये सब तो चल ही रहा है, ये तो बहुत दिक्कतों का सामना है यहाँ पे। बाकी जो लोग जो मीट शॉप जो चला रहे हैं यहाँ पे, वैसे भी लोकल में बेचारे वो सब इनलीगल चला रहे हैं, चोरी से हफ्तावारी के हिसाब से उल्टा सीधा, बस ये हो रहा है। पहले कब बंद करवाई गई है दुकानें पहले? ये तो जब भी नवरात्र लगते, जब भी कोई त्योहार आता, जब भी वैसे भी कभी भी जयानी कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट उल्टा सीधा देते रहते हैं। कुछ सफा होगी, कोई मामला होगा, जब भी जयनी खड़ा कर देते हैं। आज ऐसा धर्म संसद हो रही तो उसमें थोड़ी सांप्रदायिक की धर्म संसद थोड़ी कर रहे हैं लोग, तो सभी दिन का यही बोलता है हमेशा ही होता रहता है। मैंने तो कभी 2 महीनों में, कभी 4 महीनों में, अच्छा चलते रहता है यहाँ पे। सर मैं सुमेधा बोल रही हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ मैं, आपसे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहिए था जो आप लोगों का है। ये काफी लोग बोल रहे थे कि मीट की दुकानें जो हैं वो बंद करवा दी जा रही हैं, और इनका कोई ऑर्डर आप लोगों ने इशू किया है इस पर? नहीं, ये इसमें मुझे कोई संज्ञान में इस तरह का नहीं है, और पुलिस से कोई संबंध भी नहीं है इसका। अच्छा ठीक है सर। हमने इसमें मुझे कुछ लोगों ने अप्लीकेशन दिया, मैंने जो एरिया फूड सेफ्टी ऑफिसर है उनको पत्र भेजा है जी, कि जांच केस में कार्रवाई करें। ठीक है सर। तो और अभी इसमें कुछ और आगे कार्रवाई नहीं हुई है, अभी यही अपने यही स्टेप लिया है। हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर को पत्र भेजा है कि इसमें आप जांच करके कार्रवाई करिए। इस स्टोरी का एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है, एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि किस तरह से नगर पालिका जो वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो इन दुकानदारों को मीट बेचने के लाइसेंसेस नहीं दे रही है। लगातार अर्जियां जो हैं वो डाल दी गई हैं, कोर्ट तक भी ये मामला पहुंचा, जहां पर एक बेंच ने 2017 में उन्होंने ये कहा कि लोगों को लाइसेंसेस देने चाहिए, एक प्रक्रिया के तहत लोगों को मीट बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए, एक इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन यहां पर होना चाहिए जिसके तहत लोग परेशान ना हो और अपना रोजगार कायम रख सकें। पर उसके बावजूद कोर्ट के और न्यायपालिका के इन सारे बयानों के बावजूद, पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद, आज हम जमीनी रूप पर ये देख रहे हैं कि किस तरह से इस फूड पॉलिटिक्स के पूरे प्रकरण के विक्टिम्स बन चुके हैं वो मुसलमान लोग, जो अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, जो अपना रोजगार कमाना चाहते हैं, वो इसके किस तरह से विक्टिम्स बन गए हैं। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.